हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो है ना लेके आई हूँ, वो मैंने ना ये दो वूल से बना रही हूँ। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों ही वूल जो हैं वो टू प्लाई की है, और मैं जो क्रोशिया इसमें इस्तेमाल करूँगी वो 3.50 mm का करूँगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बता दिया, फिर आप कहते हैं कि मैं बताती नहीं हूँ। तो चलिए, अब मैं इसे ना बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम इस कलर से शुरू कर रहे हैं, और इसमें हमें क्या करना होगा, इस तरह से है ना, ऐसे नॉट लेके, और इसमें हम चेन बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें जो हमें ना टोटल चेन बनानी है वो है ना नाप के बनानी है। तो पहले मैं आपको है ना नाप बता देती हूँ, फिर मैं ना बनाती हूँ। तो ये देखिए, हमें जो इसमें ना चेन बनानी है बिना खींचे, ऐसे है ना इससे नाप लेंगे हम। ये देखिए, ये हमने खींचा नहीं है बिल्कुल भी, और इस तरह से रख के हम इससे ऐसे नाप लेंगे। तो ये हमारा जो हुआ है वो 17 हुआ है। ठीक है, देखिए ये रहा 17 इंच हुआ है, और अगर मैं चेन इसमें बताऊं तो वो 70 चेन बनाई है। ठीक है, तो ये ड्रेस बनाने के लिए हमें ना, सॉरी 75 चेन बनाई है, 75। ठीक है, तो 75 चेन में हमारा इतना बड़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से ही हमें ना ये पूरी की पूरी ड्रेस बनानी है। तो अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए 2 चेन और लेके, और अब हम हर एक चेन में ना एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे, तो हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से पूरे में एक एक डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पूरे में ना ये डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे पलट लेंगे, और पलटने के बाद यहाँ पे हम 1, 2, 3 चेन लेंगे, और ये फर्स्ट वाले में ही डाल के हम इस तरह से फंदा क्रोशे के ऊपर लेंगे। एक बार ये 2 और ये 3। ठीक है, और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे एक चेन छोड़ेंगे, और अगली चेन में डाल के फिर से 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर इस तरह से। ठीक है, ये 3 बार हो गए, और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। एक चेन लेंगे, और फिर यहाँ पे एक चेन छोड़ेंगे, और अगली चेन में डाल के हम फिर से ये फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे 3 बार। ठीक है, फिर इन्हें निकाल देंगे, एक चेन लेंगे, और एक चेन यहाँ पे छोड़ के अगली चेन में डाल के फिर से 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर इस तरह से। ये देखिए, तो ये पफ बना के ना पूरे में बना लेंगे हम। तो पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये ना पूरे में पफ बना लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें 1, 2, 2 चेन लेनी है, ये 2 चेन लेके, और ये देखिए यहीं पे ये पफ के ऊपर ही डाल के हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर जो अगले वाली जो ये चेन है इसमें डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये पफ के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये जो चेन थी इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर पफ के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है, जो हम लेके और ये तीनों फंदे एक साथ निकाल लेते हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। तो ऐसे ही एक हमें चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक पफ के ऊपर बनाना है, फिर एक चेन में बनाना है और एक पफ के ऊपर बनाना है। तो इस तरह से हम पूरे में ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया की हमें ना 3 लाइनें बनानी है, उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया पूरे में बना लिया। फिर हम इसे पलटेंगे, 2 चेन लेंगे,
और फिर से हर एक चेन में डालते हुए हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये हम सेकंड लाइन बना रहे हैं, ऐसे ही एक लाइन और बनानी है, यानी कि तीन लाइनें हमें हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है। उसके बाद क्या करना है वो मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हम ये सेकंड लाइन थर्ड लाइन भी हाफ डबल क्रोशिया की बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ना इसमें तीन लाइनें बना ली हैं। ठीक है, अब हमें फिर से क्या करना है, देखिए इसे ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे 2 3 चेन लेके और ये फर्स्ट वाले में ही डाल के फिर से पफ बनाएंगे। देखिए, एक फंदा क्रोशिया के ऊपर 2 और ये 3। ठीक है, और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर एक चेन छोड़ के अगली चेन में डाल के फिर से 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और अगली चेन में डाल के फिर से 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर। ठीक है, फिर एक चेन लेके एक चेन यहाँ पे छोड़ेंगे और अगली चेन में डाल के फिर से 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर। तो ये देखिए, इस तरह से पफ बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे में बना लेते हैं, फिर दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारा ये बन गया। अब हमें ना क्या करना है, ये देखिए इस तरह से रख के ना हमें ये ऐसे है ना जोड़ लेना है। ठीक है, ये ऐसे, क्योंकि हम जो ड्रेस बना रहे हैं वो हमारा ये गला हमारा इतना खुला रहेगा और फिर आगे ये ना ड्रेस बनेगी। तो इसमें ना हम इस तरह से ना इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, हमने जोड़ लिया। उसके बाद में 1 2 2 चेन लेके अब इस पफ के ऊपर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो ये हमारी चेन है ना, इसमें हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया पफ के ऊपर, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर एक पफ के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया और 2 ये चेन में। ठीक है, फिर ये और फिर से 2 चेन में। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमें ना यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट करके फिर आगे हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। वैसे ना इसके ऊपर ही हमें सेम तरीके से ही एक दो लाइनें और हाफ डबल क्रोशिया की बना लेनी है। ठीक है, इसे यहाँ ज्वाइंट करेंगे और इसके ऊपर भी सेम तरीके से ही हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये इतना बन गया है और ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब हम फिर से यहाँ पे ना 3 चेन लेके और ऐसे ही 3 बार फंदे लेके पफ बना लेंगे। ठीक है, फिर एक चेन छोड़ेंगे, फिर से 3 फंदों का एक पफ बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और फिर से 3 फंदों का एक पफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से है ना हम इसे पूरा बना लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये इतना बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए इसे तो ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे 2 चेन लेके, अब देखिए इस एक तो पफ के ऊपर हमारा सिंपल क्रोश ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया, फिर जो हमारी चेन है उसके ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगली वाले पफ के ऊपर 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर जो चेन है उसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगले वाले पफ के ऊपर 1 हाफ डबल क्रोशिया और चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि एक चेन में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक चेन में हमें 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से,
क्योंकि ये हम है ना 1 साल के ना बेबी के लिए बना रहे हैं, तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है, जैसे कि हमें ना 2 साल 2.5 साल की बच्ची के लिए बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि ये हम दो दो ही बनाएंगे, ठीक है। हाफ डबल क्रोशिया हर एक चैन में, जैसे एक चैन में हम एक बना रहे हैं ना, उसमें भी हम दो ही बनाएंगे अगर हम 2 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ही हमें ये बनानी है। तो चलिए इसे ना पूरा कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन के ना तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने ना इसमें 3 ये डिज़ाइन पफ के बनाए हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, पहले हम इसका है ना देखिए इस तरह से बिल्कुल हाफ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हाफ हो गया। अब इस हाफ को इस तरह से यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल अच्छे से इस तरह से कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये दोनों साइड है ना ऐसे इधर साइड इतना और इधर से इधर साइड इतना, ये हमारी है ना बाजू होंगी और ये बीच वाला पोर्शन हमारी है ना धड़ होगा, मतलब जो हम है ना कोटी बनाएंगे वो, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें ना जितनी हमें बाजू रखनी है उतनी हम इस तरह से यहाँ पे ना दोनों तरफ पिन लगा लेंगे। ये देखिए ये दोनों कर दिया, और सेम इसी जगह हम है ना ये दूसरा एकदम बिल्कुल इक्वल, इसमें ना छोटा बड़ा नहीं करना है, नहीं तो फिर ये ना अच्छे से नहीं बनता, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हम मैं आपको बता दूं कि ये हमारा बीच वाला पोर्शन होगा और ये दोनों हमारी बाजू होंगी, ठीक है। तो इन्हें हमें क्या करना है, इसी से ना एक और लाइन बना लेंगे यहाँ पे ना इससे ही। देखिए अब हम फिर से 1 2 3 तीन चैन लेंगे और यहाँ पे डाके 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर, क्योंकि अब हम ये ना यहाँ पे पफ का टाइम आ गया था तो वो करना है। एक फिर एक चैन लेंगे, एक चैन छोड़ेंगे, अगली चैन में डाल के हम फिर से एक पफ बना लेंगे, ठीक है, वही 3 चैन वाला। फिर एक चैन लेंगे, फिर एक चैन छोड़ेंगे और अगली चैन में डाल के फिर से पफ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम जो बना लेते हैं वो यहाँ तक बना लेते हैं, फिर यहाँ के हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ तक बना लिया। अब मैं देखिए ये यहाँ पे एक चैन छोड़ के यहाँ पे करना था, तो वो हम यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे पिन लगाया हुआ है, ये हमने छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ही हम नहीं करेंगे। अब हम ये देखिए एकदम चैन लेके और ये दूसरी साइड आ जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। देखिए इनमें निकाल देती हूँ और यहाँ पे डाल के मैं पफ बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। ये देखिए फिर एक चैन लेंगे, यहाँ पे एक चैन छोड़ेंगे और दूसरी चैन में डाल के फिर से ऐसे ही पफ बना लेंगे। फिर एक चैन लेंगे और एक चैन छोड़ के फिर से बनाएंगे, और इधर साइड भी हमें सेम तरीके से ही करना है, ठीक है। तो ये पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इधर से है ना इस तक हमारा बन गया। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा है ना, ये देखिए एक चैन छोड़ के ये यहाँ पे पीछे है, तो हम यहाँ पे ना पफ ही बना लेंगे। ठीक है, पफ बना लिया, चैन लिया, और अब हम अगली चैन में यहाँ पे ना ये देखिए इस तरह से पफ बना लेंगे। इस तरह से, ठीक है, एक चैन छोड़ेंगे फिर अगले में पफ बना लेंगे। तो ये हमारा है ना इसी तरह से जुड़ जाएगा।
अब ये हमारी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये दोनों तरफ से जुड़ गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे भी है ना, यहाँ तक ये पफ बना लेते हैं, इसे ना इसमें ना जॉइंट करेंगे, और जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर है ना हाफ डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो पहले इसे जोड़ लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना लास्ट में ये चैन बना के अब इसे इस पर जोड़ देंगे। फिर अब हम दो चैन बना के देखिए, एक पफ के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर चैन में हाफ डबल क्रोशिया एक ही, ऐसे ही फिर पफ के ऊपर, फिर चैन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें ये पूरे में बनाना है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी हमें घटाना बढ़ाना नहीं है, एक एक ही बनाना है। एक पफ के ऊपर, एक चैन के ऊपर, फिर एक पफ के ऊपर, और फिर से एक चैन के ऊपर। तो ऐसे ही इसमें तीन लाइनें बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया की, उसके बाद में फिर से पफ बनाएंगे सेम तरीके से वैसे ही, और फिर तीन लाइनें बनाएंगे। तो मैं अभी है ना इसे इसी तरह से पूरा करके फिर दिखाती हूँ कि आगे हमें है ना क्या करना है। और यहाँ पे भी हमें है ना वो ही एक ही पफ बना, वो एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इसमें कहीं पे कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, सेम तरीके से ही बनाना है जैसे हमने ये फर्स्ट वाला बनाया था। तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ना हमारी ये पूरी बन के ना चोली तैयार हो गई है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये पीछे वाला हमारा भाग है और ये हमारा आगे की साइड में है। तो ये आगे की साइड से ना कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तो अब हम इसमें ना ये येलो वाली ऊन ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करके अब हम इसका ना घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो घेरा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसमें ये हमारी येलो वाली ऊन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे जिससे अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। फिर एक चैन लेके, और हमें इसमें क्या करना है, देखिए दो चैन लेंगे और इसी में डाल के हम एक डबल क्रोशिया और एक ये चैन, तो दो हो गए। फिर ठीक है, तो ये देखिए फिर हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से है ना फिर से हम ये वाले जो पफ थे ना वो बनाएंगे। तो ये यहाँ पे हम तीन बार फंदे क्रोशे के ऊपर इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। फिर इसे निकाल देंगे, एक चैन लेंगे, एक चैन छोड़ेंगे, अगली चैन में डाल के फिर से तीन बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे इस तरह से, और फिर निकाल देंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर यहाँ पर दो एक चैन छोड़ेंगे और अगले में डाल के फिर से ये इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। तो ये पूरे में हमें ना इसी तरह से बनाना है। फिर इसका घेर बनाने के लिए आगे हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये यहाँ तक बन गया है। अब हम इसे है ना यहीं पे इस तरह से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। ज्वाइंट करने के बाद हम एक दो तीन इस तरह से तीन चैन लेंगे, ठीक है। और एक चैन, एक डबल क्रोशिया इस पफ के ऊपर, और फिर अगले में एक डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर ये एक डबल क्रोशिया पफ के ऊपर, और उससे अगले में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना रहे थे ना, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। फिर एक में हमें एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, यानी कि पफ के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाने हैं, और चैन में हमें एक बार एक डबल क्रोशिया बनाना है, और एक बार हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। इस तरह देखिए, ये एक बार हमने ना ये एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगली चैन में हमने दो बार डबल क्रोशिया बनाए, फिर उससे अगली चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चैन में दो बार डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें ये
पूरी लाइन बनानी है, और इसके ऊपर की जो लाइन बनानी है उसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाते जाना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये ना पूरा का पूरा बना लेंगे, और कितना बनाना है वो मैं बना के दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा अच्छे से। तो ये देखिए, इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था ना, सेम उसी तरह से करते हुए मैंने ना ये पूरी लाइन बनाई। उसके बाद में ये देखिए, थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, फिर ये तीन लाइनें मैंने सिंपल सिंपल बनाई, जिसमें मैंने ना कुछ भी एक भी घटाया या बढ़ाया नहीं है। उसके बाद में सेम तरीके से मैंने ये पफ बनाए, और पफ बनाने के बाद वो ही देखिए, इसमें हमने जैसे यहाँ पे बनाया था ना, सेम वैसे ही इसमें बनाया। देखिए, एक बार हमने दो डबल क्रोशिया बनाए चैन में, और एक बार हमने एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, ठीक है। फिर हमने अगले वाली में ना दो डबल क्रोशिया, तो सेम वैसे ही बनाया है जैसे हमने ये बनाया था, ठीक है। और उसके बाद में हमने फिर से एक दो तीन चार चार लाइनें बना ली हैं। तो मुझे इसकी लंबाई इतनी ही चाहिए थी, क्योंकि मैंने ये ना एक साल का बनाया है, और मैंने आपको इसमें बताया है कि अगर हमें बड़ा बनाना है तो हमें कितनी लेनी है और किस तरह से करनी है। तो इसी तरह से अगर आपको और बड़ा बनाना है, इसकी लंबाई ज़्यादा करनी है, तो यहाँ के बाद फिर से पफ बनाइए, और फिर से इसी तरह से सिंपल क्रोशिया बनाइए, मतलब ये डबल क्रोशिया बनाते जाइए, ठीक है। और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा, और इसी तरह से है ना इसे पूरा कर लीजिए। इसमें जो मुझे फूल बनाने हैं ना, मैं वो बना लेती हूँ, और वो बना के है ना फिर आपको है ना दिखाती हूँ कि इसमें मैं वो फूल किस तरह से लगाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं ना ये जो हमारी वूल है, ये थोड़ी सी है ना पतली होती है, जो नॉर्मल वूल होती है ना उससे थोड़ी सी पतली, और ये जो हमारा क्रोशिया है वो 3.50 mm का है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए इसमें पहले हम ऐसे नॉट लगा लेंगे, और फिर एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे, और ये देखिए लास्ट वाली चैन में डाल के हम इसे इस तरह से राउंड बना लेंगे। फिर एक दो तीन, तीन चैन लेंगे, और इसमें एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, ऐसे ही इसमें ना डबल क्रोशिया बनाना हम शुरू कर देंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। और इसमें जो हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं वो 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें ना 11 डबल क्रोशिया बना के फिर दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से है ना हमने इसमें ना 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, और अब हम इसे इसमें डाल के इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हम ये दूसरा कलर लेंगे और इसे ना इसमें ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया, इस तरह से ये इसमें ना अच्छे से हम ज्वाइंट कर देंगे। फिर हम इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन लेंगे, और ये जो दो चैन है इन्हें हम स्किप करेंगे, और ये थर्ड वाली चैन में डाल के हम सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हो गया, फिर अगली चैन में दो, फिर उससे अगली चैन में तीन, और फिर उससे अगली चैन में चार, ठीक है, ये हो गया। फिर हम इसी में डाल के इसे सिंपली ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर अगले वाली जाएंगे, ये हमारे दो धागे दिख रहे हैं ना, जिसे हम पीछे वाले में लेके इसे निकाल लेंगे। फिर उससे अगले वाले में जाएंगे, फिर ये निकालेंगे, और यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन लेंगे, फिर हम दो ये चैन छोड़ देंगे, और ये थर्ड वाली चैन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में एक सिंपल क्रोशिया, फिर उससे आगे वाले में एक सिंपल क्रोशिया, ऐसे ही चार चैन में हमें चार सिंपल क्रोशिया बनाने हैं, और फिर ये लास्ट में डाल के यहीं पे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर अगले वाले पे जाएंगे, यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया, फिर अगले वाले पे यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम छः चैन बनाएंगे, ठीक है, फिर दो छोड़ेंगे, और ये थर्ड वाले में डाल के
ये इस तरह से बना लेंगे। तो जैसे हमने ये दो बनाए हैं ऐसे ही पूरे में बना लेंगे। तो पूरे में बना के फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से है ना, हमने पूरे के पूरे को बना लिया है और इसी तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरह से पकड़ के हम ये यहीं पे डाल के इसे ज्वाइन कर लेंगे और इसे नॉट लगा के यहीं से कट कर देंगे। ठीक है, और ये येलो वाले को भी ऐसे कट कर देंगे। तो ये फिर इस तरह से हम ये धागे को पीछे की साइड में निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा फूल बन के ये पूरा का पूरा तैयार हो गया है। ठीक है, ये देखिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये ना सारे के सारे फूल बना लिए हैं और इन्हें ना हम नीचे की साइड में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से,
येलो के ऊपर इनका ना लुकी इतना अच्छा आ रहा है, एक सेकेंड में दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम आगे पीछे हर उसमें ना ये फूलों को लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे ही, क्योंकि मैंने ना फूलों की ये जो है थोड़ी बड़ी बनाई है तो ये उसमें आ रही है। अगर आपको है ना छोटे फूल बनाने हैं तो फूल बनाते हुए मैंने आपको बताया उस तरह से कर लेनी है, बस यहाँ से है ना चैन कम लेनी है उस तरह से। तो मुझे ये इस तरह से बनाना था, मैंने ये पूरा का पूरा इसी में लगा लेंगे। तो इसे लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसे ज्वाइंट करने के लिए, तो आप है ना इस तरह से है ना किसी भी सुई में ये धागा ले लीजिए, या ये ऊन से आपको लगाने हैं तो ऊन से लगाना। पहले मैं आपको है ना ऊन से लगाना बता देती हूँ। तो ऊन से लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये हमारी यहाँ पे है ना ऊन हमने अभी कट नहीं किया है, और इधर साइड हमें है ना इस तरह से फूल लगाना है। तो हम ये डाल के इस तरह से, ठीक है, और इसे है ना हम ऐसे इसके अंदर से निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये निकल गया। फिर हम इसमें से ही पीछे की साइड से डालेंगे, और इसमें है ना इस तरह से करके और इसे पीछे की साइड से फंदे को निकाल देंगे। तो ये इस तरह से है ना हमारा ये यहाँ पे है ना ज्वाइंट होता चला जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से ये से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा है ना ऐसे ही पूरे को हम ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा अच्छे से है ना यहाँ पे है ना ज्वाइंट हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। फिर हम इसी कलर की ऊन लेके और यहाँ पे भी ऐसे ही टांग देंगे, ठीक है। ये देखिए पत्तियों में भी इस तरह से टांग देंगे। अगर आपको उनसे नहीं करना है या क्रोशिया से नहीं करना है, क्यों, फिर आपको क्या करेंगे कि इस तरह से किसी भी सुई में ना ये धागा ले लेंगे, या फिर ऊन मोटे वाली सुई लेंगे तो ऊन ले लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से डाल के हम इसे टांग देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह, ये सारी की सारी पत्तियां हम इसमें ना इस तरह से टाक देंगे, जिससे ये है ना निकले ना, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे है ना जो गम आती है कपड़ों वाली उससे भी चिपका सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मुझे ना ये टाक के है ना ज़्यादा अच्छा लगता है, और ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं निकलेगा तो मैं इसमें ना टाकती हूँ। तो ऐसे ही सारे फूल इसमें ना चारों तरफ है ना लगा लेंगे पूरी गोलाई में। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें हमें है ना ये देखिए हमारा ये गला है। अगर आपको है ना ये वाले फूल, जैसे हमने ये फूल बनाए हैं, ये छोटे फूल बना के अगर आपको यहाँ पे फूल अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी तरह से इसे पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें आपको यह बताना भूल गई कि इसके जो ये गला है ना इस पे हमें थोड़ी सी डिजाइनिंग देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से है ना ये एक कोने से यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे और अगली चेन में डाल के इसे ऐसे ही निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, अगली चेन में इस तरह से डालेंगे और निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे और इसे ऐसे ही निकाल देंगे। तो ऐसे ही हम ये ना पूरे गले पे बॉर्डर बना लेंगे, जो देखने में है ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये पूरा बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है।
तो ये देखिए हमने पूरा का पूरा फ्रॉक बना लिया है, और इसे मैं ना आपको काफी दूर से दिखा रही हूँ जिससे आपको है ना देख के ना ये अच्छे से समझ आ जाए कि ये ना देखने में कैसा लगेगा। तो ये देखिए इसके ना इधर साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप है ना कोई भी टिच बटन या फिर है ना जो बटन होता है वो लगा सकते हैं, तो ये आराम से ना ये आ जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का लगा, देखने में भी ये बहुत सुंदर है। देखिए मैं आपको दिखाऊं तो ये नीचे से कुछ ऐसा है और ऊपर से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग इनचो दिस वीडियो। अभी मैं इस फ्रॉक के साथ के लिए आपको जूती और कैप भी बनाना बताऊंगी वो अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।